दोस्तों, नीलम मुनीर के ड्रामों की एक अलग ही बात होती है। हर बार वो कोई न कोई किरदार करके लोगों के दिलों में बस जाती हैं। दोस्तों, आज की इस लाइफस्टाइल वीडियो में हम बात करेंगे खूबसूरत अदाकारा नीलम मुनीर की। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नीलम मुनीर के फैन हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इनका कौन सा ड्रामा पसंद है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नीलम मुनीर का पूरा नाम नीलम मुनीर खान है। इनका जन्म 20 मार्च 1992 को मर्दान में हुआ। 2021 के हिसाब से इनकी उम्र 31 साल है। इन्होंने स्कूलिंग कराची से की। नीलम ने स्कूल में पढ़ने के दौरान मॉडलिंग से करियर शुरू किया। इन्होंने ग्रेजुएशन भी कराची से की है। अब हम बात करते हैं नीलम मुनीर के करियर के बारे में। नीलम मुनीर ने करियर मॉडल के तौर पर शुरू किया। इन्होंने एक्टिंग डेब्यू पीटीवी के ड्रामे थोड़ा सा आसमान से किया। डेब्यू से अब तक इन्होंने 50 से ज्यादा ड्रामों में काम किया है। इनके दर्जनों ड्रामे सुपरहिट रहे। इनके वो ड्रामे हैं कैदे तनहाई, आंख मचोली, शहर दिल के दरवाजे, जलपरी, मेरी बहन माया, डरे डरे नैना, उम्मे हानिया, दिल मोम का दिया, बिखरे मोती, कहीं दीप चले और कयामत। नीलम मुनीर इस वक्त जियो टीवी के ड्रामे एहराम जुनून में लीड रोल कर रही हैं। आपको इनका कौन सा ड्रामा पसंद है हमें कमेंट में जरूर बताएं। नीलम ने फिल्म डेब्यू 2017 में चुपन चुपाई फिल्म से किया। डेब्यू के बाद उन्होंने रंग नंबर 2, कॉफ कंगना और चक्कर फिल्म में भी काम किया है। अब हम बात करते हैं इनकी फैमिली के बारे में। नीलम मुनीर का ताल्लुक मर्दान की एक पठान फैमिली से है। इनकी फैमिली में वालदा और 3 बहनें हैं, जबकि इनके वालद का इंतकाल हो गया जब नीलम 3 साल की थी। इनकी बहनों के नाम तानिया और शायद मुनीर खान हैं। आप इनकी खूबसूरत बहनों और वालदा को तस्वीर में देख सकते हैं। नीलम मुनीर ने अभी तक शादी नहीं की है, वो सिंगल हैं। अब हम बात करते हैं इनके अवार्ड्स के बारे में। नीलम मुनीर 2 बार अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुई है, लेकिन वो अब तक कोई अवार्ड जीत नहीं पाई है। अब हम बात करते हैं इनके घर के बारे में। नीलम मुनीर इस वक्त फैमिली के साथ कराची में रहायश पजीर हैं, जहां पे इनका एक आलीशान घर है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप अपने किसी पसंदीदा अदाकार के लाइफस्टाइल पे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम अपनी अगली वीडियो उस पर बना सकें।